लास्ट ट्रिब्यूट दे रही है इन दीवारों को, लास्ट इन पेरिस, अपना जो ड्रेस मैचिंग है इन दीवारों के साथ। वाह। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर गुड। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। इट्स अवर थर्ड डे इन पेरिस। तो आज हम इधर से निकल रहे हैं गोइंग टू नेक्स्ट कंट्री विच इज़ स्विट्ज़रलैंड। तो और व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो ये शर्ट है इसमें भी आ गया है माउंटेन कॉलिंग वाली शर्ट टी शर्ट जो है वो मैंने आज डाली है, तो एक कोइंसिडेंस ही आप समझ लो। और रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से आज जो पेरिस का मौसम है वो है इस तरह से। अभी हमारी आ रही है कैब जो हमें छोड़ेगी रेलवे स्टेशन, और इट्स अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू गो टू डिफरेंट कंट्री बाय ट्रेन। मतलब मैं और ये रवीन पहला ही एक्सपीरियंस ऐसा करने वाले हैं कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाय ट्रेन में एंटर होंगे। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। टैक्सी भी आ चुकी है। So miss this beautiful place। इधर मोस्टली जो लोग हैं ना ये साइकिलिंग वगैरह करते हैं, तो दिस लेन इज ओनली फॉर साइकिल्स, द अदर टू आर फॉर द कार्स। और ये ग्रीन सिग्नल हो गया तो अब हम रोड क्रॉस करेंगे। मैं कैरी करूँ? अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, और ये है इधर का रेलवे स्टेशन। देखो कितना प्यारा है यार। तो अब आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है जिनेवा वाली वो आ चुकी है। वो ये डॉगी डॉगी ने पैर है। सो ये हमारी ट्रेन फ्रांस टू स्विस, वी आर गोइंग। इसकी पंचुअलिटी देखते हैं। टाइम ट्रेन को बहुत जो अभी हो गए हैं, तो ट्रेन जो हमारी रुकी हुई स्टेशन पर, तो हम देखते हैं 10:16 इज द टाइम। We will be arriving at Geneva, where this train terminates. Please make sure you have all your belongings with you as you leave the train. Should you need any assistance in continuing your journey, we will be available on the platform. Thank you for traveling with TGV Lyria today, and we wish you a very pleasant day. तो अब हमने जिनेवा से जाना है लुजन, जिसकी ट्रेन अब हमारे सामने खड़ी है। तो this is a train. फर्स्ट क्लास ट्रेन। नाउ वी आर गोइंग टू लुजन। ये सारा जिनेवा शहर है, जिस जिनेवा शहर को हमने आज दिन तक खाली अपनी किताबों में पढ़ा है। इन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ये बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो उस जिनेवा में आज मैं आया हूँ, मैं तो बिलीव कर सकती हूँ कि इतनी तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो है लुजन उधर पहुंच चुके हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू अवर होटल जो इधर से बिल्कुल पास में ही है। हमने एक पुल ब्रिज है, हमने ना एक ब्रिज है उसको क्रॉस करके दूसरी साइड जाना, उधर हमारा होटल। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
स्विट्जरलैंड से प्यारी जगह कोई नहीं देखी। लुक एट दिस रिवर, बहुत सारा रश। ओह हाँ, कांची इंडियन। सो दिस इज अवर रूम इन ल्यूजैन, और इनके इनकी जो ब्रांच है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। सिंगापुर भी हम इन्हीं के होटल्स में रुके थे, विद सेम डिजाइन। एंड ओ यार क्या बालकनी है, वेरी स्पेशियस बालकनी है ना। और मौसम देख सकते हो आप, कितना प्लीजेंट मौसम है इधर। देयर इज जस्ट फ्लैग। तो अब हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम। ओ स्विट्जरलैंड ने हमारा स्वागत किया है बारिश के साथ, मूसलाधार बारिश लग चुकी है यहाँ पर। कौन सी है? जस्ट बारिश है। तो मूसलाधार है, मूसलाधार होती है, मूसलाधार होती है, छोटी छोटी बारिश नहीं है। ओके, बारिश लग चुकी है तो अच्छा लग रहा है इस जगह में। सिटी है ये, बहुत प्यारी सिटी है। हम आए हैं बाहर मार्केट घूमने, इधर बहुत सारी जो वॉचेस हैं आप देख सकते हो। तो अगर मेरे को कोई वॉच पसंद आ जाती है, आई विल डेफिनेटली गो एंड बाय इट। लेट्स गो यार, एक बार देख रहे आते हैं। ये है दरवाज़ा, मैं आपको ये चीज़ बता रहा सामने, ये माउंटेन्स में बर्फ पड़ी हुई है और ये लाइट ग्रीन होगी। अब हम चलेंगे, रोड क्रॉस कर लेते हैं। और ये एरिया देखो, बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज द लेक एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अभी हम बैठे हैं ल्यूजैन लेक में और हमारे सामने ये क्रूजिंग वगैरह हो रही है। बहुत ठंडी हवा चल रही है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये सामने जो माउंटेन्स हैं ये सारे इसमें जो है बर्फ स्नोफॉल हुई है इसलिए। और ओ ये कितनी प्यारी तरीके से बोल रही है और देना। और इधर सब मेन चीज़ है कि सारे ये छोटे छोटे परिंदे वगैरह आए हुए, डक्स भी हैं यहाँ पे। और आग आधी सो गई है। तो ये क्रूज थी, दिस इज द एरिया जिधर हम बैठे हैं। बहुत रिलैक्सिंग जो है वो वातावरण है यहाँ पे। क्लाउड्स देख सकते हैं, कितने प्यारे क्लाउड्स। अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी बारिश जब हम होटल से बाहर निकले थे। ये हमें कैसे देखेंगे? देखेंगे हाँ देखा देखा, नखरे नखरे। कितने प्यारे लग रहे हैं, पीछे एक और भी आ रहा है। वाइट इन जो बायोडाइवर्सिटी ओवर हियर। और देयर इज अ शॉप जो बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो हम भी देखें कोई हम भी देखें कि कोई चॉकलेट अच्छा सा घर वालों के लिए ले जाएं। यार ये देखना कितने प्यारे छोटे छोटे बैग में, यूनिक, वेरी यूनिक। बहुत सारी वैराइटीज के जो इधर चॉकलेट्स हैं यार। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और 7 बजे जिस भी रेस्टोरेंट वगैरह और जिस भी शॉप वगैरह में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि इट्स टू लेट, इट्स क्लोज, इट्स क्लोज। तो हमारे उधर होता था 12 बजे दुकान खुला के तो हम उधर से चीज़ ले लेते हैं। हाँ ओ यार ये कार देखना कितनी प्यारी, ये कार है यार। ये जो बसेज है ना इस टाइप की हैं, इलेक्ट्रिक बसेज। और वी आर गोइंग टू कांची इंडियन रेस्टोरेंट, पंजाबी एंड तंदूरी है। ओ वाओ नाइस। और ये इंडिया के स्पाइसेस जो भी हैं वो भी दर्शाए गए हैं, विच ऑल दोस थिंग्स। वाओ सबसे सही चीज़ ये लगी आपने देवी देवता इंडिया की। ओ वाओ
वाह ये दालें बस किधर है मोटी राजमा किधर है राजमा यानी की राजमा जी फॉरेन कंट्री में आके अपने देश का तिरंगा लहराते हुए और इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने का अलग ही स्वाद है। हमारा जो डिनर है वो आ चुका है, डिनर भी आधे दिन को। फ्रांस में भी यही हाल था, उधर भी रात होती थी तो अंधेरा नहीं पड़ता था, इधर भी यही है। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, अब ट्राई टेस्ट करके पता बताते हैं। तो अभी हम डिनर करके आए और मैं आपको पूरे घंटे से बोल सकता हूँ, पिछले ये जो 4-5 दिन में जितने भी हमें डिनर किए ये सबसे बेस्ट था, क्योंकि जो टेस्ट था वो हमारे अकॉर्डिंग में था, जो मछली ये देखो आपने सभी जो है ना इन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ है यहाँ पे।